रे ठकराए, कितना बुरा जिंदगी हो गया है तेरा। अरे तुझसे अच्छा हाल तो हमरे घर के नौकर जाकर का है। है कितनी बेजरो तो सूर्य अभी तक जोंक की तरह चिपकी हुई है। ये ऐसा तो नहीं सोच रही कि धीरे धीरे अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये अपनी पूरी जिंदगी ठकुराइन बनकर आराम से जीती रहेगी। अगर ऐसा सोच रही है ना तो ये सोचना बंद कर, क्योंकि 17 दिन के अंदर अंदर ये तेज प्रताप सिंह तुझको ये घर से निकाल कर बाहर कर देगा। आयानी सो रही है। जाना था संभलना भी जाना था। ये झूठ मूठ का हमदर्दी हमको मत दिखाओ, समझे? बात तुमसे कितनी बार कहा है हमने, जब हम कमरा में हो बाहर चल। बाहर हर सांस यहां पे गिरवी है, ये रस्म है कैसी जीने लगे इंसान है, सजा ये कैसी जीने की, होता आया है सदियों से ऐसा बिट्टो, होगा ना जाने बिट्टो, होता आया है सदियों से ऐसा बिट्टो, होगा ना जाने कितनी सदियों बिट्टो।
मुझको चाहे यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो बाकी आके तुझे समझाए। तू जाने ना, तू जाने ना, यही तो रखा था अलमारी में, कहाँ गया? कहा हो गया, कहा इतना परेशान हो रहे, मैं चुक हो गया है कहा? वो कल रात को गहना वाला पोटली अलमारी में रखे थे, अभी मिल नहीं रहा है। अब पता चला तुम गहना जेवर से आए कुछ सोच ही नहीं सकते। गहना का बहुत शौक है ना तुमको, संभालो, इसी में खोई रहो दिन रात। और तुम ये साफ करके फिर वहां चले जाना, साफ करने, ठीक है? ठीक से करो। श्रीमती जी, आज आप जरा जल्दी तैयार हो जाइएगा, मिसीर जी के यहाँ जाना है। कहा कि उन्होंने घर में शांति पाठ का आयोजन किया है, पूरा परिवार को बुलाया है जी। और हाँ, अपना लाडला बेटा तेज से भी कहिएगा तैयार रहने के लिए जी। माँ जी, एक गहना आप रख लीजिए। मीका कह रही हो बहू, ये हम नहीं रख सकते, ये तुम्हारे गहने हैं। और फिर एक ब्याहता को बिना गहने जेवर के नहीं रहना चाहिए। पर माँ जी, एक ब्याहता अपने पति को खुश करने के लिए गहना जेवर पहनती है ना, और उन्हें ये सब अच्छा नहीं लागत है। उन्हें चाहते कि हम इन गहना से लदे रहे, इसलिए हम। तू चाहे कुछ भी कह ले, कितना ही बात बना ले, पर एक बेटी अपनी माँ से अपना दर्द नहीं छुपा सकती, हम सब समझ रहे हैं। माँ जी, ऐसा कछु नहीं है। अरे तू काहे परेशान हो रही है रे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी, हम परेशान नहीं है, और हम ये भी नहीं कह रहे कि हम गहना नहीं पहनेंगे। जे दिन हुआ हमें गहना में देखना चाहेंगे, वो दिन गहना जरूर पहनेंगे, और वही दिन ही हम सिंगार करेंगे। भगवान तुमको शक्ति दे, हिम्मत दे। अरे ओ तारा जी मालकिन, अरे कुछ नाश्ता वास्ता मिलेगा कि नहीं? जी मालकिन, बस तैयारी हो रहा है। गरम दूध पिला के किसका जान मारना चाहती हो? ये दूध हम तेज बाबू के लिए ले जा रहे हैं मालकिन, थोड़ा ठंडा हो जाए तो दे देंगे। रखो रखो, इधर रखो। चलो तुम अपना नाश्ता बनाओ, दूध हम देकर आएंगे। बनाओ बनाओ बनाओ। अरे ओ बिट्टू रानी, जरा ठहरो। भागती रहती हो, कोई काम नहीं कर सकती तो कम से कम पति देव की सेवा ही कर लो। अरे पत्नी के होते हुए तेज देवर जी का हम ध्यान रखें, तो तुम्हारे होने का क्या अर्थ है इस घर में? हम समझ गए भाभी, लाइए
हम ले जाते हैं। सेवा करने का फल भी आज ही तुमको मिल जाएगा बिट्टो रानी। सुनिए, हम आपके लिए दूध लाए हैं, पी लीजिए। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? आ रहेगा भी कैसे, दिमाग में तो शैतानी और लालच भरा हुआ है। अरे जिस काम को करना नहीं आता वो काम करने के लिए किसने कहा है तुमसे? हम तो आपके लिए दूध लाए थे कि आप। हाँ वो तो हम देख रहे हैं। चलो इटरे टेबल पे रखो। रखो और अभी गिलास उठाओ, उठाओ। क्यों, क्या हुआ, कुछ पता चला? ये लेकर आई थी ना तुम हमारे लिए, हाँ? चलो ये गिलास फिर से उठाओ। और अब ये दूध तुम पियो। हुआ ही गई? अरे इतना गरम दूध तुम हमारे लिए लेकर आई थी, अब खुद पियो। बहुत बड़ी पति भगत बनती हो ना, पियो। क्या हुआ, मजा आया? ए तेज, जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अरंत तो के बोले थे ना कि आज सबको मिसी जी के यहाँ जाना है, सबको बुलाया है उन्होंने और सबको चलना है वहाँ। आप जाइए ना, आपके समधी के रिश्तेदार तो ठहरे और आपकी बहू की बहन की शादी भी तो वही हुई ना, तो आप निभाइए रिश्ता। लेकिन हमको नहीं निभाने जबरदस्ती का रिश्तेदारी। और हाँ, आपकी बहू को जरूर ले जाइएगा, आखिर शांति पाठ उसके जीजा जी के लिए तो हो रहा है ना, आप अपनी बहू को ले जाना मत भूलिएगा। अरे अच्छा ही हुआ ना कि तेजदेवर जी नहीं गए, है ना, ना ही उनका हाथ रुकता है और ना ही उनका जबान। हमारा मतलब है कि हम लोग चले जाते हैं ना, का है ना कि सुखमा तो सभी लोग जाते हैं, दुखमा भी तो जाना चाहिए, दुख तो बांटने से ही कम होता है।
क्यों माँ जी? हाँ लेकिन थोड़ा रुक जाते तो अच्छा होता। अब क्या हुआ? बिट्टो अभी तक तैयार नहीं हुई है। बिट्टो को आने का कोई जरूरत नहीं। चलो तुम्हारा नाच गाना तो बहुत ही अच्छा था लेकिन हमारा जो काम है वो थोड़ा अलग है। बोलो करोगी? पीस गांव के लोग जान देते हैं मर्दी के एक इशारे पे। बहुत ही किस्मत वाले हो तेज बाबू जो ये मर्दी को आप भा गए। और जो इमरती को एक बार भा जाए उसके लिए इमरती कुछ भी कर सकती है। एक बार आदेश देखे तो देखे फिर देखिए मर्दी का कमाल। तो सुनो बोलो मंजूर है